हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे गाड़ी में जो इंजन होता है वो इंजन जो है हम दिल कंसीडर करते हैं गाड़ी का, बराबर। तो सोचो, दिल को ऑपरेट करने के लिए, दिल को भी चलाने के लिए जो कंपोनेंट यूज होता है वो यूज होता है गाड़ी में, बैटरी, राइट। अब बिना बैटरी के आप सोचो कि जो इंजन है वो भी ऑपरेट नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ जितनी भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज या जो भी एसेसरीज हम यूज करते हैं जो ऑपरेट होती है, जो बिजली से चल जाती है, वो भाई हमारी यूज होती है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, उसके साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। तो अब आप ये चीज सोच सकते हो कि बैटरी जो होती है कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाड़ी के अंदर, बराबर। अब एक ना क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में ये होगा, एक जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल, कि जो गाड़ी की जो बैटरी होती है उसकी एक अमूमन एक एवरेज लाइफ कितनी होती है। देखो, ये जो वीडियो है ना, मैं आपके लिए सिर्फ ब्रीफली बना रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसपे जो है आप लोगों ने काफी अच्छे व्यूज भी दिए हैं, तो मैं उसका जो है लिंक आई बटन में दे दूंगा, कि जो सिम्टम्स होते हैं ना वीक बैटरी के वो क्या होते हैं, ठीक है। वो आप देखना, बहुत काम की वीडियो है, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जाऊँगा कि सिम्टम्स क्या है, लेकिन मैं इस चीज में जरूर जाऊँगा कि जो लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि आमतौर पर जनरली जो एवरेज जो एक लाइफ होती है ना गाड़ी की जो बैटरी होती है वो कितनी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये जानना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो बैटरी है अब ये सही टाइम आ गया उसको रिप्लेस करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि भाई जो ये आपकी जो बैटरी होती है उसका सही समय कब होता है रिप्लेस करने के लिए, क्या बैटरी खुद अपनी तरफ से इंडिकेशन देती है या आपको जो है बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी कि बैटरी जो है कब चेंज करनी है, ताकि आप उस कंडीशन में ना फंस जाएं कि आपकी गाड़ी एक टाइम पे ऐसी आ जाए बैटरी की जो लाइफ हो बिल्कुल डेड हो जाए और गाड़ी स्टार्ट भी ना हो। जो एवरेज लाइफ होती है ना गाड़ी की वो कितनी होती है, कितनी चलती है। तो देखो, आमतौर पर जो गाड़ी की एवरेज लाइफ होती है ना वो 4 से लेकर 5 साल तक चलती है, लेकिन इसमें कंडीशन ये डिपेंड करती है कि आप अपनी गाड़ी, आप अपनी बैटरी जो गाड़ी में यूज कर रहे हो उसका यूज कैसे ले रहे हो, ठीक है। आपकी जो ड्राइविंग हैबिट है वो कैसी है। सपोज करो एक गाड़ी है, एक ड्राइवर है जो अपनी गाड़ी महीने में सिर्फ एक बार चला रहा है, खड़ी रहती है, ठीक है। तो भाई उस केस में क्या होगा कि जो बैटरी होगी वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डाउन जाएगी उसकी हेल्थ, और वो टाइम से पहले, बहुत टाइम से पहले एटलीस्ट वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, डेड हो जाएगी, राइट। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो एक नॉर्मल ड्राइवर है जिसकी जो रनिंग है वो दिन में जो है आप जो है मान लो 1 से 1.5 घंटा आप चलाते हो गाड़ी को कंटिन्यू, और 2 से 3 बार स्टार्ट कर लेते हो, कोई समस्या नहीं है, 4 से 4.5 साल मैक्सिमम, 5 साल तक। जो अगर और भी ज्यादा है उसके अंदर क्या होते हैं ना कि बहुत सारे हमको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं अपनी गाड़ी की जो बैटरी की जो हेल्थ है उसको बढ़ाने के लिए, राइट। लेकिन अगर आप इस कंडीशन नॉर्मल में चलाओगे तो आराम से 4 से 4.5 साल आपकी जो बैटरी की हेल्थ है, जो लाइफ है, आराम से निकल जाएगी, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि सही टाइम क्या है, आपको कैसे पता लगेगा। देखो, आजकल गाड़ियां बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं, कई बार क्या होता है कि देखो ये जो वार्निंग्स आती है ना डैशबोर्ड में, जो वार्निंग लाइट्स आती हैं, इसमें क्या होता है, ये खुद जो होती है ना एडवांस गाड़ी आ चुकी है, ये आपको इंडिकेशन दे देती है कि ये समस्या आ रही है इस कंपोनेंट से रिगार्डिंग, ठीक है। अगर सपोज करो बैटरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी कुछ, देखो सबसे पहली बात ना, बैटरी आपको खुद इंडिकेशन देगी। बैटरी में क्या होगा कि उसके अंदर ना जो वोल्टेज होगी वो फ्लक्चुएट होगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो वोल्टेज होगी वो फ्लक्चुएट हो जाएगी, लेकिन वो आप तो नहीं देख पाओगे, उसके लिए पूरा मल्टीमीटर होने चाहिए। अब वो ये नॉर्मली हर बंदा तो घर में नहीं रखता है, तो एक केस ये होगा कि अगर आप जो है नहीं देख पा रहे हो तो गाड़ी आपकी जो है ना आपके बिहाफ से काम करेगी, और वो इंडिकेशन जो मैंने आपको बताया यहाँ पे आपके जो है डैशबोर्ड में वो आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इन केस अगर वो वार्निंग नहीं आती है तो आपको करना क्या है, आपको आइडिया ले लेना है कि मेरी जो गाड़ी है जो बैटरी है वो कितना चल चुकी है। अगर मान लो 3-4 साल वो बैटरी चल चुकी है तो आपको करना क्या है भाई, मिस्त्री के पास जाना, मैकेनिक के पास जाना, बैटरी की हेल्थ एक बार चेक करवा लेना, उसमें जो उसके अंदर जो प्लेट्स डली होती है ना उनकी हेल्थ एक बार जो है वो चेक हो जाएगी, और एग्जैक्टली ये पता लग जाएगा, मतलब एक आइडिया आपको आ जाएगा अब आपकी जो बैटरी है वो कितनी चल रही है, राइट। तो आप इमेजिन कर सकते हो आपके पास कितना एक्यूरेट आपको एक पता लग जाएगा कि अब आमतौर पे मेरी गाड़ी जो है हम मुश्किल 6 महीना, साल भर या 2 महीना 3 महीना, डिपेंड कंडीशन उस टाइम पे क्या करती है वो आपको पता लग जाएगा, राइट। तो फिर आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि नहीं अब मैं पहले ही जो बैटरी है उसको रिप्लेस करवा लूं, राइट। दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, और बाकी जो डेडिकेटेड वीडियो आप एक बार देख लेना चैनल पे जाके, मैंने लिंक भी दे दिया उसका। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।